इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज की सबसे अहम खबर के तौर पर अगर देखा जाए तो वज़ीर आला बी एस येडियुरप्पा का इस्तीफा। अब इस इस्तीफा को लेकर कई सारे बातें कही जा रही है। आखिर क्या बात है कि येडियुरप्पा पर इतना दबाव बनाया गया जिससे इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वैसे पिछले कई महीनों से येडियुरप्पा की मुखालिफत में साजिशें की जा रही थी और ख़ासकर जिस कदर येडियुरप्पा की तस्वीर सभी समाज के अपराधों को साथ में लेकर चलने की थी, इसे भगवा और फिरका परस्त जहनीत वालों को खटकने की बात कही जा रही थी। यह बात भी उतनी सच है कि बी एस येडियुरप्पा सख्त हिंदुत्ववादी नहीं थे, लिहाजा आरएसएस और संघीय सोच और फिक्र के लोगों के लिए एक तरह से कांटा बनने की भी बात कही जा रही। आखिर तक वजीर आला की कुर्सी को किसी तरह का खतरा नहीं कहा गया, लेकिन वही हुआ जिसका कयास लगाया जा रहा था। कट्टरवादी भगवा सोच और फिक्र के लोगों ने जबरन इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लिहाजा लिंगायत समाज में शदीद नाराजगी भी देखी जा रही। इससे पहले भी लिंगायत के मजहबी रहनुमाओं ने यानी मठाधीशों ने येडियुरप्पा को अगर वजीर आला की कुर्सी से हटाया गया तो इसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ सकती है कहा था। कर्नाटक में लिंगायत समाज की पकड़ काफी अच्छी है। जाहिर है जिस तरह येडियुरप्पा की किसी मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देते नजर नहीं आए, यह भी बात अक्सर याद दिलाई जाती है कि कर्नाटक के पहले मुजाहिद आजादी और शेर मैसूर टीपू सुल्तान की योम पैदाइश सरकारी तौर पर टीपू की तरह लिबास पहनकर इसी येडियुरप्पा ने मनाई थी। खैर बाद में केजेपी से फिर बीजेपी में जाने के बाद टीपू की योम पैदाइश पर पाबंदी लगा दी गई। आज रियासत के मुख्तलिफ जगहों पर येडियुरप्पा के इस्तीफे पर सख्त एहतजाज किए गए, खासकर येडियुरप्पा के हल्के शिकारपुर बंद का एहतमाम कर एहतजाज किया गया। तमाम कारोबार बाजार दफ्तरों को बंद कर दिया गया था। आज इसी इस्तीफे के मद्देनजर कांग्रेस कायद सतीश जारकिहोली ने वजीर आला येडियुरप्पा को इस्तीफा देने पर मजबूर करना भाजपा के लिए शर्मनाक कहते हुए इस बात का खुलासा किया कि हमेशा मनुवादियों ने इसी तरह अपने मुफाद के लिए किसी न किसी को नीचे उतारा है। सतीश जारकिहोली ने 12वीं सदी के जगत गुरु बसवेश्वर की मिसाल देते हुए कहा कि मनुवादियों ने भी श्री बसवेश्वर महाराज को इसी तरह नीचे उतारा था जिस तरह बसवन्ना के मामले में कुछ गद्दारों ने अख्तदार की कुर्सी से उतारा था। आज उसी मंजर को दोबारा देखा जा रहा है। एक तरह से वो शख्स को साजिश के तहत जलील करना है जिसने कर्नाटक में इस भगवादारी हुकूमत का वजूद कायम किया था। आज दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर येडियुरप्पा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। यकीनन इस्तीफा रियासत की सियासत में तब्दीली ला सकता है क्या, इसमें चर्चा जारी है। बंगाल चुनाव के बाद बहुत कुछ सोचने पर भाजपा का ये मजबूर हो चुके हैं। कोरोना, लॉकडाउन, गिरती मईशत, बाढ़, बेरोजगारी, तमाम मसले आवाम के जख्म बनकर आज भी दर्द दे रहे। राम मंदिर के जरिए जज्बाती मौजुओं को छेड़कर वोटों का हासिल करने का पैंतरा शायद राम मंदिर जमीन घोटाले के जरिए नाकाम हो सकता है। लिहाजा अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए किसी आरएसएस विचारधारा के शख्स को बिठाना जरूरी समझा जा रहा था। तभी तो रियासत में ऐसे कई कायद थे जिन्होंने येडियुरप्पा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था, जिन्हें मरकजी हुकूमत भी कुछ नहीं कह रही थी। यह भी खास बात है जिस तरह सतीश जारकिहोली ने कहा कि मनुवादी लोग मुल्क के संविधान को ही बदलना चाहते हैं, पर बड़े ही चालाकी के साथ ओबीसी पिछड़े दलितों को उन्होंने हिंदुओं की कतार में ला खड़ा कर बेवकूफ बनाने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए। ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इसी तरह की सियासत का अंदेशा है। मरकजी कैबिनेट में जिस तरह मोदी ने वजारत तोसी में पिछड़े ओबीसी को वजारत बहाल करना इसी सियासी मनसूबाबंदी का हिस्सा कहा जा सकता है। कोई भी शख्स किसी भी पार्टी से जीतने के बाद इन्हें भाजपा में दाखिल होने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना गोया अब इनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। पेगासस मामला भी इसी का हिस्सा है कि भारत में विपक्ष ना हो, अगर होगा भी तो बिल्कुल कमजोर, जो सत्ताधारी के सामने आवाज भी ना उठाए। अगर बंगाल चुनाव को उम्मीद की किरण कह सकते हैं तो मुश्किल ना होगा। विपक्ष फिर से एक मुश्त होकर ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब कर्नाटक में येडियुरप्पा को वजीर आला की कुर्सी से इस्तीफा देने पर मजबूर करना, क्या लिंगायत समाज पर इसका असर होगा? इस सवाल का जवाब भी तलाशना इस वक्त जरूरी होगा। सतीश जारकिहोली ने येडियुरप्पा पर दबाव बनाकर कुर्सी से उतारने को बसवेश्वर से मुआवजना करना कहीं लिंगायत को कांग्रेस की तरफ माइल करने की कोशिश तो नहीं है, ऐसा भी शक का इजहार किया जा रहा है। लिहाजा कुछ भी हो लेकिन येडियुरप्पा को इस्तीफा देने पर मजबूर करना भाजपा का तारीख एकदम ही कह सकते हैं जिसमें आरएसएस और संघ की सोच और फिक्र का दखल है। क्या इसका असर आने वाले इंतखाबात में होगा यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अरे और रीति ಏನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾರ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡು ಪಕ್ಷ ಅದು ಬಹಳ
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾವಕರಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒತ್ತಡ ಏರಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಮನೋವಾದಿಗಳು, ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರು 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬಹುಶಃ 1000 ವರ್ಷ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ದುಃಖಕರ. ಅಂದು ಮನೋವಾದಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು, ಇಂದು ಕೂಡ ಮನೋವಾದಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. आज फिर बारिश थमने से कई जगहों पर पानी की सतह कम होती देखी गई। बेलगाम जिला में भी बारिश का कहर खासकर खानापुर तालुका में इसका असर ज्यादा देखा गया। खानापुर नदी भी सड़क से गुजर रही थी, कई निचले इलाकों में भी पानी दाखिल होता देखा गया। आज डीसी बेलगाम ने खानापुर बाढ़ मुतासिर जगहों का जायजा लिया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए सड़कों को बेहतर बनाने की हिदायत भी दी। इस वक्त खानापुर तहसीलदार रेशमा तालिकोटी भी मौजूद थी, पर धुआंधार बारिश में यहाँ के नौजवानों ने काबिले तवज्जो काम को अंजाम दिया। बाढ़ में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला। खासकर आलिम नाइक फाउंडेशन की जानिब से बाढ़ मुतासरी लोगों की मदद की गई। इस फाउंडेशन ने बारिश से मुतासर इलाकों में जाकर गहरे पानी में उतर कर वहाँ के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, उनकी मदद फरमाई और खाने के पैकेट्स और दीगर सहूलतों को भी फराहम करने के काम को अंजाम दिया। आइए देखते हैं खानापुर की कुछ यह तस्वीरें। आज यड्रप्पा इस्तीफा को लेकर मुख्तलिफ सियासी लीडरों की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। बेलगाम ग्रामीण की एमएलए लक्ष्मी हब्बाड़कर ने भी दबाव बनाकर इस्तीफे को मजबूर करने की हरकत की मजम्मत करते हुए कहा कि आज यड्रप्पा को दर्द कुड़न के साथ इस्तीफा देने की नौबत अफसोसनाक ही कह सकते हैं। सियासी लीजेंड कहकर यड्रप्पा का जिक्र इन्होंने किया। आगे अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी सियासी पार्टी को सबसे अहम आवाम के मसाइल को समझना होगा, ना कि सियासत में हज़े खेल नहीं है। यड्रप्पा को वजीर आला का अपना दौर मुकम्मल करने का मौका देना था, ऐसा भी उन्होंने कहा। ಬಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು, ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ಇದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. वजीर बराए चाइल्ड एंड वुमन वेलफेयर की शशिकला जोड़े रिश्वतखोरी मामला संजीदगी अख्तियार करते देखा जा रहा है। आंगनवाड़ी सेंटर्स को बच्चों के अंडे सप्लाई में करोड़ रुपए की रिश्वत, अब ट्विटर और सोशल मीडिया पर बच्चों के अंडे मत निगलो की मुहिम चलाई जा रही है। हजारों लोगों ने शशिकला जोड़े की रिश्वतखोरी के इल्जाम पर ट्विटर और सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया हुआ। क्या स्कूलों को 2 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है? हासिल इत्तला के मुताबिक 2 अगस्त से निजी और सरकारी स्कूलों को शुरू करने पर
जल्द फैसला लिया जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है। तालीमी मोहकमा ने वालिदैन से राय तलब की थी, जिस पर इत्तफाक के राय से स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया है, पर किस तारीख को शुरू करना है इस पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। 2 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है ऐसा भी कहा गया है। बाढ़ का पानी अभी भी पूना बेंगलोर रास्ते पर, पिछले 2 दिन से बारिश ना होने पर भी सड़क के ऊपर से अभी भी गुजर रहा है, जिससे गाड़ियों की नकल हरकत के लिए खुला नहीं किया गया। वाजह रहे कि अभी भी सड़क पर पानी है और वेदगंगा नदी हाईवे से बह रही है, लिहाजा सिर्फ कोगनोली गांव के लोगों के लिए ही रियायत दी गई है। दीगर गाड़ियों को अभी भी इजाजत नहीं दी गई है। पानी की सतह तो कम हुई है पर पानी हाईवे से अभी भी बह रहा है, जिससे गाड़ियों की नकल हरकत को फिलहाल बंद ही रखा गया है। कई सारी योजनाओं को हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाता है, सड़क की हो या अंडरवे हो, बाईपास हो, जो भी है, लेकिन लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर अक्सर यह देखा जाता है कि लाखों रुपए जो आवाम की जेब से लिए जाते हैं आखिर पानी में डाल दिए जाते हैं। बेलगाम कोर्ट से डीसी दफ्तर जाने के लिए जो अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है, शायद ही कोई वहां से गुजरता होगा अगर किससे मशवरा कर यह फैसला लिया जाता है, जबकि वकीलों ने इस पर एतराज भी किया था। लिहाजा देख सकते हैं मौजूदा तस्वीर, जो पूरी तरह से यह रास्ता पानी में डूब गया। कहने का मतलब आवाम का रुपया आखिर पानी में ही चला गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।